स्कर्तू से आया है जनाब एक बच्चा, इतना मुन्ना प्यारा सा, 10 साल इनके उम्र है, बाल भी बड़े प्यारे। शुएब ने पहले ही कहा कि आप मुझे अपने बाल उधार दे दे। हमारे साथ है जी 10 साल के नन्हे मुन्ने नातखां, जिनका नाम है ख्वाजा अली काजिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ये तो आवाज ही नहीं निकली अभी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों का मौसम कैसा है? सही है बस। सही है जी। और यहाँ की गर्मी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मौसम ठीक है जी जी। वो तभी तो इतने लंबे बाल रखे हैं उन्होंने। गर्मी होती तो बंदे ने। हाँ। ये आप थोड़े से बाल देते जाएंगे इधर जी जी। वैसे ब्लो ड्राई करके क्या खत्म हो गए, आधे तो रह गए हैं। आप जरा बताएं कितने अरसे से आप नात पढ़ रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं, हम्द पढ़ रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से पढ़ रहे हैं। कैसे स्टार्ट किया आपने? किसी ने कहा जी आप बड़ी प्यारी आवाज है बस पढ़ो, या किस तरह से स्टार्ट हुआ, शौक था, क्या था? नहीं नहीं, हमारे उधर हर जुमे को कंपटीशन होता है ना। अच्छा। उसी में मैंने भी पढ़ लिया, कंपटीशन में हिस्सा लेके। और कंपटीशन जीत गए? जी जी, जीत बनता है। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। क्या जल्दी से अगर हमें कुछ सुना दें, रिक्वेस्ट है तमाम लोगों की। खतमुल मुरसली खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, सिद्ध को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा सब है जैर नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा सुभान अल्लाह। क्या क्या खूबसूरत आवाज है आपकी। 10 साल के बच्चे की उम्र मुझे लग रही जितनी जान है इनके अंदर, और उतार चढ़ाओ आवाज का, इसी से सीखा? जी जी, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत सीखा? किससे सीखा? जावेद मीर, अब्बास नायर साहब, अच्छा, नजीर नास, हामिद हुसैन, उन सब से थोड़ा थोड़ा सीखा। और कितने बहन भाई हैं आप? बाकी बहन भाई भी पढ़ते हैं नात? नहीं नहीं, अकेला पढ़ता। अकेले पढ़ते हैं और कोई भी नहीं पढ़ता? नहीं। अच्छा जी, जबरदस्त। और हमें क्या सुनाएंगे आप? और एक मन कोई अच्छा सा कलाम पढ़ के सुना दें।
एक मनकबत बीवी फातिमा सलाम अल्लाह की मनकबत सुना दें। सुना दें। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा रूहुल अमी सूरते दरबान कितनी बुलंदियों पे है कैसे करूं तमीज हसन हुसैन में तो एक जान फातिमा कितनी बुलंदियों पे है। क्या प्यारी आवाज है आपकी। पढ़ाई में कैसे हैं? किस कौन से सिक्स क्लास में बताया जी, जी। में? अच्छा पढ़ाई में कैसे हैं? अच्छे हैं। कितना पढ़ते हैं दिन में? 80 प्लस परसेंटेज लेते हैं जी। माशाल्लाह। एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं और घर में आके खाना वगैरह खा के फिर ट्यूशन को जाते हैं। अच्छा और प्रैक्टिस कितनी करते हैं? नातुन की रात में एक करते हैं। एक घंटा? एक दो घंटा। तो कॉम्पिटिशन्स में ही हिस्सा लेते हैं किसी ट्रांसमिशन? जिस तरह आज आप हमारे ट्रांसमिशन पे हैं, हम देखते हैं इंटरनेट सेंसेशन है इस वक्त आप, तो क्या आपने अपने इन कलाम के हवाले से या नातों के हवाले से मनकबत को लेकर कोई चैनल भी बनाया? कोई फेसबुक पे भी डालते हैं, वीडियोस डालते हैं? जी जी मेरा अपना चैनल पेज सब। अच्छा उस पर रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा है बस। दो तीन महीने हुए अभी। जी जी। खुद मैनेज कर रहे हैं उसको? नहीं भाई मैनेज। भाई मैनेज कर रहे हैं। बड़े भाई हैं आप? जी जी। ख्वाजा अली काजिम नाम से। ख्वाजा अली काजिम के नाम से। जी जी। मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनेंगे जी। लेकिन जो आपका ख्वाजा अली नाजिम के नाम से बताया ना पेज भी और यूट्यूब ख्वाजा अली काजिम। जी जी। उसके नाम से यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। डू सब्सक्राइब। हम जरूर इसलिए कहेंगे बिकॉज ये इतनी प्यारी माशाल्लाह आवाज उनकी, इतनी उन्होंने जान लगाई हम कहेंगे। Exactly, नन्ना मुन्ना से टैलेंट है हमारा ये, क्योंकि नन्ना मुन्ना से टैलेंट है हमारा और इतनी खूबसूरती से ये पढ़ते हैं और इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है, तो हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और ज़रूर हमें प्रमोट करना चाहिए। सपोर्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं कि इनकी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ आप इनको सुने भी। अच्छा जी अब क्या हमें आप पढ़ के सुनाएंगे? पढ़ के और सबसे ज्यादा आप कौन सा कलाम ऐसा जिस पर सबसे ज्यादा रीच आई हो आपकी, जो आपने YouTube चैनल का जिक्र भी किया, अदरवाइज भी कोई ऐसा कलाम जिस पर सबसे ज्यादा आपको ना पजीराई मिली हो, लोगों ने बहुत पसंद किया हो? एक नोहाई की। नोहाई वही नोहाई नाम? हाँ सुना दे। और देख के करते हैं कुछ या दो तीन याद भी की या। एक दो याद की हुई है। सर झुकाए बहन करती कैदियों में बेरिदा सहमी खड़ी क्या यही सालार ज़ैनब तो नहीं पूछते
शह के सीने पर था जालिम और गला कटता रहा। शह के सीने पर था जालिम और गला कटता रहा। आवाज दी क्या यही वो काफ़ला सालार ज़ैनब तो नहीं। गिर पड़ा राहूं मैं सर क्यों खाक पे आबास का। गिर पड़ा राहूं मैं सर क्यों खाक पे आबास का। बेरदा ज़ैनब का सर शायद नहीं देखा गया। किस तरह नेज़े पे गाज़ी ठहरता, किस तरह नेज़े पे गाज़ी ठहरता। ज़ैनब जो बिन चादर रही क्या यही वो काफ़ला सालार ज़ैनब तो नहीं। अली बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है और इसी तरह से खूबसूरत आवाज़ से आप आगे बढ़ते जाएं, और सबसे हम यही कहेंगे कि इनको सपोर्ट करें, इनको प्रमोट करें। ये हमारा टैलेंट है जिसे हमने खुद आगे लेकर जाना।